जेंट सो बबल। एक गांव में बंटी और बबली नाम के दो बच्चे रहते थे। दोनों पड़ोसी थे। बंटी और बबली अच्छे दोस्त थे। वे दोनों जब देखो सो बबल्स के साथ ही खेलते रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे और उनका कम्युनिकेशन सब कुछ बुलबुलों के साथ ही होता था। बंटी यदि एक बड़ा बुलबुला छोड़ता तो उसका मतलब होता था कि वो बहुत गुस्से में है। यदि बबली छोटे छोटे बबल्स छोड़ती तो उसका मतलब था कि वो खुश है। अगर दो बबल छोड़े तो मतलब है कि वो भूख लगी है, और यदि चार बबल छोड़े तो उसका मतलब ये था कि कल फिर मिलेंगे। यूं वे एक दूसरे से बबल्स की बोली ही बोलते थे। कुछ समय बाद बंटी और बबली एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो रहा था। एक दिन जब बंटी स्कूल से घर लौट रहा था तो बबली घर के सामान और माँ बाप के साथ एक घोड़ा गाड़ी में जा रही थी। ये देखकर बंटी चिंता में पड़ गया। वो उस घोड़ा गाड़ी के पीछे भागने लगा। तभी बबली ने अपने नए घर का पता एक कागज में लिखकर उसे फेंका। उस कागज के टुकड़े को बंटी के पकड़ने से पहले ही वो हवा में उड़ गई। बबली वहाँ से चली गई। बंटी समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। दो दिन बाद बंटी अपने दोस्त चिंटू से, यार बेचारी बबली मेरी राह देख रही होगी, एड्रेस नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों तो साबुन के बुलबुलों के साथ ही तो बात करते थे, मेरे छोड़े हुए बुलबुलों को बबली यूं पहचान लेगी, इसीलिए बबल्स छोड़ते हुए बबली को गांव गांव में ढूंढूंगा, मैं अपनी बबली से किसी भी तरह मिलूंगा। पर तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे ना, चाहे कुछ भी हो मैं बबली से मिले बिना घर नहीं लौटूंगा। कहकर चार साबुन और दो वाटर बॉटल एक थैली में डाला। यूं बंटी पड़ोसी गांव में जाकर गलियों में बुलबुले छोड़ने लगा, पर किसी भी घर से बबली बाहर नहीं निकली। बंटी फिर दूसरे गांव में गया, वहां स्कूल के पास जाकर बुलबुले छोड़ने लगा। वो बुलबुले जाकर क्लास में मास्टर जी से टकराए। ये देख सारे बच्चे हंसने लगे। ए कौन है जो ये बुलबुले छोड़ रहा है, कहकर जोर से चिल्लाया। बंटी वहां से भाग गया। यूं बंटी गांव-गांव जाकर बुलबुले छोड़ते हुए बड़ा हुआ। एक गांव में रुककर बंटी बोरियां ढोने लगा। यूं कमाए हुए पैसों से साबुन और वाटर बॉटल खरीदता था। बड़ा होकर बंटी बुलबुले छोड़ने में एक्सपर्ट हो गया था। बड़े बड़े बुलबुले छोड़ता था। यूं बंटी देश भर में बुलबुले छोड़ते हुए घूमने लगा। उसकी दाढ़ी मूछ बढ़ गए। एक दिन बंटी, ऐसा कोई गांव या शहर नहीं है जहां मैं बबली के लिए ना गया हूं। मुझे लगता है कि वो विदेश जा चुकी है, अब अपना गांव लौटना ही ठीक होगा, ऐसा उसने सोचा। यूं बंटी अपने गांव लौट आया। एक गली में एक गुंडा एक लड़की को चाकू दिखाकर डरा रहा था। अरे मुझे कोई बचाओ, कहकर चिल्लाने लगी। बंटी ने तुरंत एक बड़ा बुलबुला छोड़ा। बस वो बुलबुला जाकर उस गुंडे से टकराया। वो उस बुलबुले में फंस गया। वो बुलबुला लुढ़कता हुआ जाने लगा। अरे ये क्या है, अरे बचाओ बचाओ, कहकर चिल्लाने लगा। यूं वो सोप का बुलबुला हवा में उड़ने लगी। ये देखकर वो लड़की, इतना बड़ा बुलबुला छोड़ा है तो मतलब ये है कि तुम जरूर बंटी हो, सही कहा ना? तुमने बुलबुले को पहचाना, इसका मतलब ये है कि तुम बबली हो, है कि नहीं? बंटी, कहकर बाहें फैलाई। बबली, कहकर अपने बाहें फैलाया। इतने दिन कहाँ थी बबली, जानती हो मैंने तुम्हें देश भर में ढूंढा, तुम अपने गांव कब लौटी? कब लौटी का क्या मतलब, मैं तो गांव छोड़कर गई नहीं थी। अरे उस दिन जो मैंने पता दिया था वो सात वाले राम मंदिर वाली गली का था। जब तुम कई दिनों तक मेरे घर नहीं आए तो एक दिन मैं तुम्हारे घर आई, तब मुझे पता चला कि तुम ये सोचकर कि मैं गांव छोड़कर चली गई देश भर में मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हो, तब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। अच्छा दर, इस बात से अनजान मैंने कितने साबुन खर्च किए होंगे जानती भी हो? चलो कोई बात नहीं, कम से कम अब तो मिले हो, चलो हम जाकर बड़ों से अपनी शादी की बात करते हैं। इतने में एक बच्चा दौड़ता हुआ आकर मम्मी कहकर उसे लिपट गया। बस बंटी बेहोश होकर गिर गया। वॉशिंग पाउडर,
एक गांव में सूरज नाम का व्यक्ति हुआ करता था। वो स्पिन नाम के लोकल वॉशिंग मशीन कंपनी से गांव के लिए डीलरशिप लिया हुआ था। उसके मार्केटिंग के लिए घर घर गया, एक के घर जाकर, मैडम मैं स्पिन वॉशिंग पाउडर कंपनी से आया हूँ, इसका दाम बहुत कम है, एक स्पून डालने से 10 जोड़ी कपड़े धो सकते हो, हमारे गांव के सारे किराने दुकान में ये उपलब्ध है, जरूर खरीदिए। स्पिन कभी नहीं सुना, जब तक कोई फिल्म एक्टर टीवी पे एडवर्टाइजमेंट ना दे हम कुछ नहीं खरीदते, वैसे भी जो हम वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छा ही तो है, तो आपकी कंपनी का भला क्यों खरीदेंगे, कहकर अंदर चली गई। इसे 10 रुपए का वॉशिंग पाउडर खरीदवाने के लिए क्या मैं 1 करोड़ रुपए का एड डालूं? एक और घर जाकर एक औरत को एक वॉशिंग पाउडर का पैकेट दिया। ठीक है अभी टेस्ट करती हूँ, रुको, कहकर एक बकेट में सफेद शर्ट को डालकर उसमें वॉशिंग पाउडर डाली। कुछ समय बाद उसे बाहर निकालते ही वो काला हो गया था। सूरज परेशान हो गया, ये क्या है, अच्छा खासा सफेद शर्ट अब पूरा काला हो गया है, ऐसा कंप्लीट कलर बदल देने वाला वॉशिंग पाउडर मैंने कभी नहीं देखा। वही तो हमारे वॉशिंग पाउडर की स्पेशलिटी है, कपड़ों के रंग तभी का तभी पूरी तरह से बदल देता है, तो फिर आपको नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है तुम किससे बात कर रहे हो, वो फेमस वॉशिंग पाउडर के एड में हेमा का कैरेक्टर याद है, वो मैंने डाला था, और तुम मुझे ही कहानी सुनाओगे, चुपचाप यहाँ से जाओगे या फिर वो पूरा एड सॉन्ग गाऊं अभी? बाप रे मुझे बख्श दो, इंटरनेट पर ही वो सॉन्ग स्पूफ्स भरे हुए हैं, अब लाइव में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, कहकर चला गया। इस तरह सूरज जहाँ पर भी गया वे खरीदने इनकार ही कर रहे थे। आपके वॉशिंग पाउडर को 1 रुपए में देने पर भी लोग नहीं खरीद रहे जी, वो मेरे शॉप में ऐसे ही पड़े हुए हैं, अब वो नहीं बिकेंगे, आप ले जाइए, कहकर उसे कार्टन बॉक्स दे दिया। एक दिन सूरज, ये क्या, सोचा कि अच्छा लाभ होगा और ये वॉशिंग पाउडर का डीलरशिप लिया, और ये तो पूरा उल्टा पड़ गया, पहले मुझे अपने पास रखे स्टॉक को बेचकर और उस नुकसान से बचना होगा, कुछ भी करके इन गांव वालों से इसे खरीदवाना ही होगा, सोचा। तब उसे एक उपाय सूझा, तुरंत एक स्प्रे बॉटल में कीचड़ का पानी भरा, घर के बाहर सूख रहे सारे कपड़ों पर भरे हुए पानी को डाला, इसी तरह एक पूरी गली में सबके कपड़ों पर छिड़का। शाम को वो कपड़े देखकर औरतें, ये क्या, इतनी देर धोने से भी ये कीचड़ के निशान नहीं गए, सोचे। इतने में सूरज एक कंक्रीट मिक्सर लेकर उस गली में पहुंचा। आकर माइक पर, मेरी प्यारी माताएं और बहनें, अब मैं आपको हमारा वॉशिंग पाउडर कैसे काम करता है इस पर एक बहुत अच्छा डेमो देने वाला हूँ, ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, आप कई तरह के वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन क्या वो आपके कपड़ों से सारे निशान निकाल पा रहे, नहीं ना, वो सिर्फ हमारे स्पिन वॉशिंग पाउडर से ही मुमकिन है, चाहो तो अपने सारे कपड़े लाकर इस कॉन्क्रीट मिक्सर में डालिए, मैं सिर्फ 2 चम्मच वॉशिंग पाउडर डालकर ये सारे दाग को मिटाकर दिखाऊंगा, इट्स ए चैलेंज। उसका असिस्टेंट, सर हमारे पाउडर डालने से तो कपड़े फट जाएंगे ना सर, इसलिए तो मिक्सर में ऑलरेडी दूसरा वॉशिंग पाउडर डाल दिया है ना, और हमारा पाउडर तो सिर्फ 2 ही चम्मच डालेंगे, कुछ नहीं होगा। सारी औरतें, चलो देखते हैं, सोचकर कपड़े लेकर आए। सूरज ने उन्हें मिक्सर में डाला, मिक्सर को चालू किया, उसके कुछ देर घूमने के बाद कपड़ों को बाहर निकाला, वो दाग मिट गए, सारी औरतें चकित रह गई। उस दिन से सारे लोग वही वॉशिंग पाउडर को खरीदने लगे। कुछ दिनों में सूरज के पास जो स्टॉक था वो खत्म हो गया। उस वॉशिंग पाउडर से धुले कपड़े सारे फट गए, कुछ कपड़ों का रंग बदल गया। सूरज स्टॉक बेचकर मिले पैसों से बाइक पर शहर के लिए रवाना हुआ। गांव के बाहर रास्ते के बीच सारी औरतें झाड़ू और लकड़ियों के साथ खड़ी हुई थी। उसे रोककर हेमा नाम की औरत, क्यों रे तुम्हारे गंदे वॉशिंग पाउडर को बेचने के लिए हमारे कपड़ों का नाश कर दोगे, औरतों को क्या मूर्ख समझते हो, सब मिलकर उसे बहुत पीटे, फिर पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार करवा दिए।